दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनिमेस 2.0 ज्योग्राफी की इस क्लास में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मानव व्यवसाय के बारे में। जी हाँ जी, दुनिया में आए हैं तो काम करो प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम करो प्यारे। तो काम बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज़ है। कभी ना कभी हर स्थान पर हर व्यक्ति को कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। तो ये चैप्टर भी इसी से रिलेटेड है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मानव व्यवसाय के बारे में। मानव व्यवसाय के बारे में जब हम मानव भूगोल की बात करते हैं तो उसके केंद्र बिंदु में हम मानव को रखते हैं, क्योंकि मानव ही क्या करता है कि इस संसार के अंदर जितनी भी फिजिकल चीज़ें हैं उन सभी को यूज़ करता है, उन सभी का यूटिलाइज़ करता है और उन सभी से अपना व्यवसाय चलाता है। तो इसलिए मानव जो है वो मानव भूगोल में केंद्र में है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। तकनीकी विकास के साथ साथ मनुष्य के व्यवसायों में बदलाव आता रहा है। भाई हमने पढ़ा कि भाई आदिकाल का जिस समय था, प्रारंभिक काल था, उस समय बड़ी समस्या हुआ करती थी। मानव जो है उसका कोई निश्चिंत नहीं था, उसके व्यवसाय में वो प्राथमिक व्यवसायों में ही संलग्न था, पूर्णतः वो नेचर से पूरा जुड़ा हुआ था। फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, मध्यकाल में जैसे जैसे आते हैं तो मध्यकाल में उसने क्या किया जी, नाव का आविष्कार कर लिया। और इस नाव में बैठकर वो दुनिया के अलग अलग स्थानों में गया। अलग अलग स्थानों में जाके उसके ज्ञान में वृद्धि हुई और ज्ञान में वृद्धि होने के कारण उसके व्यवसाय में भी डेवलपमेंट आया, उसके व्यवसाय में भी विकास हुआ। तो तकनीकी विकास के साथ साथ इस तरह मनुष्य के व्यवसायों में बदलाव आता रहा है। मानव व्यवसाय को 5 मुख्य वर्गों के अंदर बांटा जा सकता है। ये 5 मुख्य वर्ग कौन से हो गए? ये हो गए प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी देखो इनका जो विभाजन है बच्चों, इनका जो विभाजन है ना, मानव प्रकृति से जितना दूर होता गया, मानव प्रकृति से जितना दूर होता गया है वैसे वैसे उसके व्यवसाय में परिवर्तन आ गया है। हमें ये कह सकते हो डिस्टेंस फ्रॉम नेचर, ऑक्यूपेशन का जो नेचर है वो डिस्टेंस फ्रॉम नेचर कह सकते हैं उसको। यानी मानव जो है उसके व्यवसाय में, प्रकृति में जैसे जैसे बदलाव आए हैं, प्रकृति से वो जितना दूर हुआ है उसके व्यवसायों में भी वैसे वैसे परिवर्तन आता गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राथमिक व्यवसाय क्या है बच्चों। प्राथमिक व्यवसाय में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधा उपयोग कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है। यानी इसके अंदर आपके आगे कृषि शामिल है, इसके अंदर डेयरी शामिल है, इसके अंदर जो है अन्य वे सभी व्यवसाय शामिल होंगे जो कि नेचर से सीधा सीधा संबंधित है। फिर द्वितीयक व्यवसायों में क्या आएगा बच्चों? द्वितीयक व्यवसायों में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का परिष्कृत एवं परिवहन कर अधिक उपयोगी व मूल्यवान बनाया जाता है। बच्चों आप इतना समझिए कि भाई एक किसान है, उसने तो वीटी पैदा किया ना, गेहूं पैदा किया, वो गेहूं उसको मिल ग्राइंड करके उसका बिस्किट बनाने का जो काम है ये सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में किया जा रहा है। तो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन क्या करता है, वो रॉ मटेरियल को और ज़्यादा मूल्यवान बना देता है और ज़्यादा उसको वेथफुल बना देता है। क्लियर हो रहा है आपको? आगे बढ़ते हैं बच्चों। लाइक करते रहेंगे आप, वीडियो को शेयर करेंगे और पूरा वीडियो देखना है, वीडियो बीच में नहीं छोड़ना है, पूरा वीडियो देखना है और बार बार देखना है ताकि आप चीज़ों को पूरे अंतर मन में अपने उतार सके। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तृतीयक, चतुर्थक एवं पंचम व्यवसाय सेवा सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रहे, देखिए इतनी सी बात समझनी है बच्चों कि प्राथमिक व्यवसाय जो है ना बच्चों वो क्या है, वो प्रकृति से प्रदत्त वस्तुएं हैं। द्वितीयक व्यवसाय में यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपने क्या कर लिया, उन चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर दिया, उनको परिष्कृत रूप तैयार कर दिया। वही तृतीयक और चतुर्थक ये क्या करता है, तृतीयक और चतुर्थक, अब देखो भाई गन्ना उगाया गया कि उसको शक्कर बनने के लिए फैक्ट्री भेजना है तो गाड़ी की जरूरत है। ये गाड़ी क्या किसमें आएगी, ये टर्सरी सेक्टर है, ये तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। टर्सरी सेक्टर क्या करता है, टर्सरी, क्वार्टरली और आपके जो पंचम व्यवसाय है ये क्या काम करते हैं, ये प्राथमिक और द्वितीयक व्यवसायों को सहयोग करते हैं, उनके संचालन में उनकी सहायता करते हैं, इसीलिए इनको सेवा सेक्टर यानी कि सेवा व्यवसाय के नाम से भी इनको जाना जाता है, सर्विस सेक्टर इनके कहा जाता है। आर्थिक विकास के साथ साथ ही मानव व्यवसाय में लगे श्रमिकों के व्यवसायों में तेजी से बदलाव आया है। फिर विकसित देशों में चतुर्थक और पंचम प्रकार के व्यवसायों में अधिक जनसंख्या कार्यरत है। अगर देखा जाए, देखो स्टार्टिंग में क्या था बच्चों,
स्टार्टिंग में था कि जो डेवलप्ड आज जो डेवलपिंग कंट्रीज है यानी जो विकासशील देश है उनमें हमेशा कृषि जो है वो उनमें लोग ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जो विकसित देश है आज जो विकसित देश होते जा रहे हैं उनमें लोग टर्सरी क्वार्टरली और पंचम व्यवसाय यानी कि तृतीय चतुर्थक और पंचम व्यवसाय की ओर लोगों का आकर्षण बढ़ा है। देखिए भाई, कृषि के अंदर अगर 60% लोग लगे हैं बट जीडीपी का कृषि जो है वो केवल 1/4 पार्ट दे रहा है, यानी प्राइमरी सेक्टर में 60% लोग लगे हुए हैं बट वो जीडीपी का केवल 1/4 ही प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो 40% लोग जो है वो टर्सरी यानी कि तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम व्यवसायों में लगे हुए हैं और वो हमारी जीडीपी का 2/3 प्रोड्यूस करते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं इस पर। अब जो ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं उन लोगों को अगर वहाँ से निकाल कर तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र अथवा पंचम क्षेत्र में फेंक भी दिया जाए, उनको वहाँ लगा भी दिया जाए तो भी प्राइमरी सेक्टर में कोई बड़ा बदलाव नहीं आने वाला है बच्चों। और इस पर अब वो जो लोग जो काम करते दिखाई तो देते हैं बट कोई काम करते नहीं है, यानी कहने का मतलब काम तो करते हैं मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनका प्रोडक्शन में कोई विशेष योगदान नहीं होता है, कोई विशेष उनका भागीदारी नहीं होती है, तो इस प्रकार की बेरोजगारी को बच्चों कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इसे कहा जाता है। विकासशील देशों की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक व्यवसाय एवं द्वितीयक व्यवसायों में ही जुड़ी रहती है। आइए अब चलते हैं, जैसा कि प्रत्येक चैप्टर में हमारा नियम रहता है कि हम उनके प्रश्नों उत्तर को जरूर डील करते हैं, तो आइए प्रश्नों उत्तर, क्योंकि महत्वपूर्ण यही है आपके पेपर में प्रश्नों उत्तर आएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं इसको जल्दी जल्दी रिवाइज करवा रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रश्न उत्तर कर लिए हैं, फिर आपको नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है जी, विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? वी निर्माण, देखो ये शब्द पकड़ो, वी निर्माण, निर्माण वी का हमेशा देखो हमने देखा विज्ञान पढ़ा ना, विज्ञान, विज्ञान किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें विशेष ज्ञान हो, यानी वी जो है वो उपसर्ग का काम कर रहा है, उसी बार वी निर्माण विशेष निर्माण, यानी गन्ने का जो नेचुरल प्रोड्यूसिंग है वो तो प्राथमिक क्षेत्र में हो चुकी है, द्वितीयक क्षेत्र क्या करता है उसका विनिर्माण करता है, यानी शक्कर बनाने मतलब उसी गन्ने से शक्कर बनाए, विशेष निर्माण है ये, इसलिए विनिर्माण किसके अंदर आएगा? आपके सेकेंडरी ऑक्यूपेशन में आएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा बच्चों, बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है आपके सामने। अगला आ रहा है पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं? पंचम व्यवसाय किसे कहा जाता है बच्चों? फिर से ध्यान से देखिएगा, वे सेवाएं जो नवीन वर्तमान विचार की रचना व उनके पुनर्गठित की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या एवं प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। बच्चों ध्यान से समझिए एक एक शब्द को, क्या लिखा है? वे सेवाएं, वे सर्विस जो नवीन और वर्तमान विचार, भाई आज के समय में बड़ी समस्याओं के अंतर्गत क्या आ रही है, आज जैसे COVID-19 एक बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने खड़ा है, तो उससे लड़ने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कब तक हम लॉकडाउन में रहे, किस किस चीज को अनलॉक किया जाए, क्या क्या सावधानी बरती जाए, इनके ऊपर विचार विमर्श करने के लिए सरकारें जो है स्पेशल नीति निर्देशक लोगों को रखती है। ये लोग क्या है, ये लोग प्लान बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, योजनाएं बनाते हैं। तो नवीन और वर्तमान विचार आज समस्या क्या है, उनके पुनर्गठित की व्याख्या, उनको दोबारा उनको कैसे एक्सप्लेन करना है, आंकड़ों की व्याख्या। आज अगर देखो, अगर भारत में वैसे देखा जाए तो आज 2 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, परंतु इस आंकड़े को आप 121 करोड़ लोगों के साथ अगर देखोगे, 1 अरब 21 करोड़ लोगों के अपेक्ष में देखोगे तो ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा कम है बच्चों, बहुत बड़ा आंकड़ा ये नहीं है, बहुत छोटा आंकड़ा है। तो आंकड़ों की व्याख्या, अब ये देखो जैसे ही हम ये आंकड़ा पता लगता है कि 121 अरब में से केवल 2 लाख लोग संक्रमित है, उनमें भी 1 लाख लोग जब सही हो रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत छोटा आंकड़ा है। ये आंकड़ा सुनते ही हमारे मन में अपने आप में उत्साह आ गया है कि हम COVID-19 से बहुत बेहतरीन तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं। और साथ ही साथ प्रयोग, प्रयोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं, कोई भी नया एक्सपेरिमेंट है वो भी पंचम व्यवसाय के अंतर्गत ही लिया जाएगा बच्चों। नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है जो पंचम व्यवसाय है, नई टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, नया विकास में क्या योगदान किया जा सकता है, नई प्रौद्योगिकी क्या है, इन सब के ऊपर विचार कौन करता है, ये पंचम व्यवसाय करता है बच्चों। बिल्कुल आपको हर चीज़ समझ में आ रही है, तो वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, आपका द्वारा किया गया जो लाइक है वो हमें उत्साह देता है, वो हमारे एक अंदर एक उत्साह का संचार
प्यार करेगा, वीडियो को शेयर भी करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है, ये काम लगातार करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीन गॉटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को क्या नाम दिया था? बहुत ही छोटा सा, बच्चे प्राय इस प्रश्न की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और ऐसे प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो जीन गॉटमैन, जो गॉटमैन ने क्या नाम दिया बच्चों, जल्दी से बताएंगे, चतुर्थक व्यवसाय नाम दिया। क्या दिया? चतुर्थक व्यवसाय। आइए देखिए चतुर्थक व्यवसाय को समझते हैं कि क्या है। चतुर्थक व्यवसायों में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास आधारित सेवाएं शामिल की जाएगी। जीन गॉटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को, ये प्रत्यक्ष नहीं आते हैं सामने, भाई दुकानदार जिससे आप शक्कर लेने जा रहे हो आपसे प्रत्यक्ष मिल लिया, बट उस शक्कर बनाने के पीछे कैसी उसकी पैकेजिंग होगी, हर प्रकार के डिपार्टमेंट जो है वो अपने पास एक्सक्लूसिव एक्सपर्ट्स को रखता है। वो एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट की सेलिंग कैसे हो, प्रोडक्ट को और आकर्षक कैसे बनाया जाए, एडवर्टाइजमेंट कैसा हो, लोगों के अंदर कौन सा नारा चलाया जाए, इन सब को लेकर काम करते हैं। जैसे आपने सुना है ना, एक नारा सुना होगा, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, ये नारा सुना है? जल्दी से बताओ बच्चों, किसका ये नारा, दाग अच्छे हैं, दाग अच्छे हैं, ये नारा ही सुना है आपने? बिल्कुल सुना होगा आपने, सर्फ एक्सेल का ये नारा जो है, दाग अच्छे हैं, ये सुनते ही हमारे मन में सीधा सर्फ एक्सेल की छवि उभर के सामने आ जाती है कि कोई ना कोई डिटर्जेंट पाउडर है। तो ये इस प्रकार के नारे चलाना, इस प्रकार का काम करना, ये इनका मुख्यतः काम होता है चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत। बच्चों बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको चीज़ें समझा रहा हूँ, तो आपका उत्तरदायित्व बनता है वीडियो लाइक करके जाना, ऐसे नहीं जाना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना वीडियो को। चतुर्थक व्यवसायों में सूचना आधारित तथा अनुसंधान व विकास पर आधारित सेवाएं शामिल है। कौन सी सेवाएं शामिल है बच्चों? सूचना आधारित और अनुसंधान यानी रिसर्च से रिलेटेड चीजें जो है वो इसमें शामिल की जा सकती है। बच्चों जीन गॉटमैन ने इसे चतुर्थ व्यवसाय नाम दिया है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आधे से ज्यादा कर्मी ज्ञान जो है, कर्मक का ज्ञान जो है वो इसी क्षेत्र में कार्यरत है। विकसित क्षेत्रों में, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, ये जो आधे से ज्यादा लोग हैं वो इसी काम में उलझे हुए हैं। आप अगर बंबई जाइए, अब अगर विकसित क्षेत्रों की बात करें, जो वहाँ महानगर है, बंबई है, कोलकाता है, यहाँ वहाँ पर जब हम जाएंगे तो वहाँ आप अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनी देखिए, वहाँ पर आप देखिए सीईओ का क्या काम है, सीईओ जो है वो क्या काम कर रहा है, जो एमडी है वो क्या काम कर रहा है, ये सभी काम किससे हो रहे हैं, दिमाग से हो रहे हैं जी। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको ये व्यवसायों की चैप्टर को समझाया जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है बच्चों आपको? यानी वो काम जिसमें क्या लग रहा है, जिस सीधा सीधा आपके दिमाग से लिखित अलिखित काम चल रहे हैं जिनमें अप्रत्यक्ष सेवाओं को शामिल किया जाता है। बच्चों वीडियो लाइक करना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं। कार्यालय भवनों, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी, कार्यालयों में काम करने वाले जो बहुत सारे कर्मचारी, एलडीसी यूडीसी लगे हुए लोग हैं, भवनों में काम करने वाले, शिक्षण संस्थाओं में काम करने वाले, यानी हम लोग, हम किस में आएंगे, अस्पतालों में काम करने वाले लोग, रंगमंचों में काम करने वाले लोग, लेखा जोखा रखने वाले लोग, ये सभी अप्रत्यक्ष सेवाओं से संबंधित है बच्चों। तो सूचना, शोध, प्रबंध यानी मैनेजमेंट, एजुकेशन, आपके स्वास्थ्य, सुरक्षा, सिक्योरिटी, मेडिकल, ये सभी सर्विस किस में आती है बच्चों? चतुर्थक व्यवसाय में आती है। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है इसकी मुझे पूरी पूरी गारंटी है आपके साथ। शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको फैलाना है। द्वितीयक व्यवसायों को करने वाले कारकों के नाम बताइए। द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, एक चीज़ यहाँ पे मिस हो रही है। द्वितीयक व्यवसायों को प्रभावित करने वाले आपको कारकों के नाम बताने हैं बच्चों। अब मैं आपको समझाता हूँ द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित कौन कौन करेंगे। तो इतना समझिए पहले तो द्वितीयक व्यवसाय में आवश्यक क्या है आपके लिए। सबसे पहली चीज़ आती है लैंड, है ना, यानी अब ऐसी आपको कोई फैक्ट्री खड़ी करनी है, आपको कोई द्वितीयक व्यवसाय, आपको कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करना है, तो हवा में तो होगा नहीं, तो क्या चाहिए, लैंड चाहिए। लैंड के बाद सेकंड जो रिक्वायरमेंट है वो लेबर, लेबर के बिना काम नहीं होगा। आपको क्या छोटा मोटा ही काम करना है, छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थोड़ी होगी, तो अगर होगी भी तो उसमें काम करने के लिए आदमी तो चाहिए, ये आदमी यानी लेबर। तो लैंड हो गया, लैंड के बाद सेकेंडरी चीज़ जो आ गई वो क्या आ गई, लेबर। उसके बाद अगली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है कैपिटल, भाई आपके पास अपने स्टाफ को देने के लिए कैपिटल होनी चाहिए आपको। ये कैपिटल दो प्रकार की हो जाती है जी, एक कैपिटल आपकी आ जाती है उसके अंदर फिक्स, और दूसरी आ गई मूविंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल जैसे आप किसी मार्कर बनाने वाली कंपनी में लगे हुए, तो मार्कर बनाने वाली कंपनी में आपको केवल क्या लानी है जी, मशीन लानी है।
ये मशीन जो है ऐसा तो नहीं है कि एक मार्कर बनाया खत्म हो गई मशीन, ये मशीन आपके लंबे समय तक हजारों मार्कर लाखों मार्कर बनने के बाद भी खराब नहीं हो रही है। तो इस मशीन को हम क्या कह देंगे बच्चों, इसे हम फिक्स्ड कैपिटल कह देते हैं। मूविंग ऑन कैपिटल्स क्या होते हैं बच्चों? मूविंग ऑन कैपिटल में मनी इसमें शामिल है, आपके तुरंत के कोई खर्चे हैं मूविंग ऑन कैपिटल, पेमेंट किसी को देना है तो मूविंग ऑन कैपिटल्स के अंदर आते हैं। तो इसी तरह हम समझते हैं कि किस प्रकार द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, आइए समझते हैं। तो द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने में प्राकृतिक संसाधनों, सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, भाई नेचुरल गुड्स अगर नहीं पहुंचेंगे कंपनियों में, नहीं पहुंचेंगे फैक्ट्रियों में, तो कंपनी वाले क्या उखाड़ लेंगे, कंपनी वाले क्या कर लेंगे बच्चों? कुछ नहीं कर सकते, केवल फैक्ट्री खोल के बैठ जाएंगे क्या? बिल्कुल वही बात। तथा सांस्कृतिक संसाधनों दोनों का प्रभाव पड़ता है, इनको निर्धारित करने वाले कारक कच्चा माल, बिल्कुल शक्ति के संसाधन, शक्ति के कौन से संसाधनों का प्रयोग, मशीनें हैं और है इन सब का प्रयोग, परिवहन, संचार की सुविधाएं, पूंजी बाजार, यहाँ बाजार है, सरकारी नीतियां, श्रम, प्रौद्योगिकी, नवाचार, तो ये सभी शामिल है आपके द्वितीयक व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों के अंतर्गत। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ बच्चों। प्राथमिक व्यवसायों को क्या विशेषता है, प्राथमिक व्यवसाय की क्या विशेषता है? जिन व्यवसायों में मनुष्य प्रकृति प्रदत्त संस्थानों, प्रकृति प्रदत्त संसाधनों यथा भूमि, जल, वनस्पति एवं खनिज पदार्थों आदि का उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें बच्चों क्या कह देते हैं? प्राथमिक व्यवसाय कह देते हैं। और इनका सीधा सीधा संबंध पर्यावरण से है, इनका सीधा सीधा संबंध प्रकृति से है। ठीक है जी, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। आगे बढ़ते हैं। कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया, इस बात की पुष्टि करें। ये प्रश्न आया, इसका उत्तर मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, परंतु मैं आपको समझा देता हूँ। कृषि ने मानव को स्थायीकरण के लिए प्रेरित किया। भाई स्टार्ट के अंदर अगर देखा जाए तो मानव जो है वो घुमंतु प्रवृत्ति का था, मानव जो था वो घुमंतु प्रवृत्ति का था, उसने वही शेर पढ़ रखा था कि घूमिए घूमिए इस शहर में ओ गालिब जिंदगानी में, नहीं तो क्या है कि आप मुसाफिर ही बने रह जाएंगे और कहीं जा नहीं पाएंगे, जिंदगानी रहेगी तो सब तक घूमते रहेंगे। तो मनुष्य जो थे वो पहले घुमंतु प्रवृत्ति थे, एक जगह से दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, तीसरी जगह से चौथी जगह, बस घूमते ही रहते थे और उनका कोई काम था नहीं। तो घुमंतु प्रणाली के लोग थे, घुमंतु प्रकार के लोग थे, घूमते रहते थे। तो ये लोग जो है ये घूमते रहते थे, तो बाद में इन्होंने क्या किया, पशुचारण करना शुरू किया, लेकिन पशुचारण में भी एक पशु को दूसरे का चराने के लिए जाना पड़ता, फिर घूमते रहते थे। तब जब कृषि के बारे में इनको पता लगा, कृषि का जब इन्होंने इनोवेशन किया, एग्रीकल्चर का जब इनोवेशन किया, तो वहाँ पर रहकर कुछ स्थान पर रुक कर उन्होंने खेती बाड़ी की। तो हम कह सकते हैं कृषि ने जो है वो इनको प्रेरित किया है। मानव व्यवसायों के विकास के साथ साथ बदलती प्रकृति को समझाइए। मानव विकास की प्रकृति के साथ मनुष्य के विकास, व्यवसाय का विकास, प्रागैतिहासिक प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, इन चार कालों के अंदर हम इस विकास को आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम यही लेंगे, कल की क्लास के अंदर हम और व्यवसायों के जो अगले चैप्टर्स हैं उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। आप लोग अपनी ड्यूटी बिल्कुल अच्छे से निभानी है, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ही जाना है। जो भी आपको अच्छा लगा है, जैसा लगा है कमेंट कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, एक बार दो बार तीन बार देखिए, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखते रहिए सीखते रहिए स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।